सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम खेल रहे BGM है और मैं आपको एक बहुत ही तगड़ा गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, 17 किल्स का गेम प्ले। और मेरे सामने उतरते ही डुओ और एक उसमें से एक बंदे को मैंने नॉक किया M16 से, और एक बंदा भागता हुआ गया दूसरे घर में जिससे कि उसे गन मिल जाए। बट प्रोबेबली मैं यहाँ से क्लाइम करता हूँ, क्लाइम करके मैं देखता हूँ कि वो जो बंदा है वो ऊपर चढ़ चुका है, मैं भी ऊपर चढ़ता हूँ। फिर मेरे को बाद में अपने आवाज़ आती है कि बंदा वापस नीचे कूद चुका है, जंप करने की आवाज़ आई थी तो वो नीचे जंप कर चुका है बंदा। जल्दी से जाते हैं उस बंदे को ढूंढते हैं, यहाँ से मैं भागते हुए जाता हूँ और यहाँ पे इस घर के अंदर जाता हूँ, चेक करता हूँ कि यहाँ पे तो नहीं है बंदा। देखो फुटस्टेप्स तो मेरे को आ ही रहे थे इधर से, मेरा जो टीममेट है ऊपर चेक कर रहा है, उसको बंदे नहीं मिले यहाँ पे। अब मैं ब्लू हाउस के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी हम लूट कर लेते हैं, शॉप टोकन और फर्स्ट एड किट मिली। यहाँ से मैंने UMP उठाई, UMP उठाने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा रेड फुटस्टेप्स आने लग गया। अब मेरे को समझ आ गया कि बंदा तो ऊपर ही है, तो मैंने अपनी टीममेट को बुला लिया कि भाई तो आ जा, इधर ही बंदे हैं, और जो मेरा टीममेट है वो मेरे पास आ जाता है। यहाँ पे मैं इस घर के अंदर जाता हूँ, हम तीनों टीममेट्स पास ही थे, फिर ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं थी, और जो बंदे हैं वो ऊपर ही हैं। तो क्या करते हैं इस बंदे को मारने के, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसे फायर किया, मैं अंदर आया, उसे डैमेज हुआ था, दोबारा मैं यही करूँगा, ट्राई करते हैं होता है कि नहीं। एक और बार थोड़ा सा डैमेज दिया, वापस अंदर, अब मैं उसको फाइनली किल करूँगा, नॉक कर दिया। यहाँ पे मेरे टीममेट भी आ चुके हैं, इसलिए मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं। एक बंदा था जो जिसके पास गन नहीं थी, तो उसको भी मेरे टीममेट ने मार दिया। यहाँ पे थोड़ी सी लूट करेंगे और निकलेंगे जल्दी से बंदों की तरफ। यहाँ पे मेरे को मिल जाता है नेट वगैरह और बैकपैक मिल गया, और बंदे कहाँ पर हैं, जल्दी से बस बंदे मिले, मेरे को तो बंदों की ज़रूरत है, बस जल्दी से हम बंदों को मारेंगे और अपने फिनिशेस बढ़ाएंगे, किल्स बढ़ाएंगे अपने। यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आ रही थी सामने से, यहाँ पे हमें एक बॉट दिखेगा। यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा जो टीममेट है उसको किसी ने नॉक कर दिया है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ उस बंदे को मारना होगा। अब देखो जब यहाँ से मैं आया, मैंने देखा कि मॉली हो गई और जो मेरा टीममेट है वो नॉक हो गया है उस मॉली के चक्कर में, तो 1 नंबर बच गया। बट जो 3 नंबर था जिसको हमने नॉक्ड पड़ा हुआ देखा था वो फिनिश हो गया, तो 1 नंबर को पहले जल्दी से मैं रिवाइव दे देता हूँ, ऊपर मेरे बंदे हैं, या तो मैं ऐसा करता हूँ पहले रश मार देता हूँ। सो मेरे सामने बंदा एकदम से मैंने फायरिंग करी, M16 से तेज फायरिंग करके मैंने उस बंदे को मार दिया है। जल्दी से उसको फिनिश करते हैं, लूट करते हैं, बंदों की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे मेरे पास UMP तो ऑलरेडी थी, उसकी मैंने एमो ले ली, M76 तो मैंने ले ली थी, जो मेरा टीममेट था उसको किसी ने नॉक कर दिया, उसको मैं जल्दी से रिवाइव कर देता हूँ और जल्दी से मैं उतरता हूँ। वो बंदा है कहाँ पर देखते हैं, यहाँ से मैं भागता हुआ जा रहा था, देखो सामने बंदे दिखते हैं, स्पॉट होता है एक बंदा, जल्दी से जाते हैं और मारते हैं। यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा, सामने एक और बंदा दिखा, पीछे से मेरे को फायरिंग पड़ी, मैंने सोचा कि मैं जंप करके मार दूंगा, पर ऐसा होता नहीं है, उसने मेरे को भी डैमेज दे रहा है क्योंकि मेरी हेल्थ कम थी। अब ये सोच के वीडियो मत लीव कर देना कि मैं नॉक हो गया तो फिनिश भी हो जाऊँगा, मैं फिनिश नहीं होता हूँ इस गेम के अंदर। अब मैं जाता हूँ, वो जो टीममेट है वो अपने टीममेट को रिवाइव देने गया, और मैं जल्दी से जाता हूँ अपने टीममेट के पास, सर दे। अब देखो मेरे टीममेट क्या करेगा मेरे साथ, उसने हल्का सा रिवाइव देके छोड़ा, अब क्या करा, मेरे को उठा लिया, जबकि मेरी इतनी सी हेल्थ रह गई थी तब भी उसने उठा लिया। मैं माइक खुल के चिल्ला रहा था उसके ऊपर, भाई मेरे को नीचे उतार रहा रिवाइव दे वरना मैं वहीं फिनिश हो जाऊँगा, तो उसने मेरे को उतार के रिवाइव दिया जल्दी से, और यहाँ पे मैं फाइनली रिवाइव हो जाऊँगा। मेरे को फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी अभी भी बंदों की, कि आसपास ही है, तो वो एक्चुअली एक बॉट था जिसको मैंने टीम में मार दिया। यहाँ पर मैं पीछे की तरफ आती कवर में हील कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैंने अपनी मेडकिट लगा ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेडकिट है लग गई है, और अपने टीममेट के पास ज़्यादा हूँ मैं, उसने बॉट को मारा है, उसकी हम थोड़ी सी लूट लेंगे और फिर निकलते हैं बंदों के पास, जल्दी निकलते हैं। मेरे पास वैसे भी 12x0 एमो है, मेरे को एमो की जरूरत होगी थोड़ी सी। M16 से मैंने एक बॉट को मारूंगा मैं यहाँ पे, वो लूट चुका है, यहाँ पे एक बॉट को मारा मैंने। एक और बंदा हमें पीछे दिखता है, उसको मैंने मारा, नॉक कर दिया। अब फाइनली मेरे को पीछे से एक बंदा F12 के मार दिया, तो मैंने उसको जल्दी से फायरिंग करके वहाँ पर उसे भी फिनिश कर दिया है, जल्दी से उसकी लूट लेते हैं। और यहाँ पे मेरे को स्कारिल मिल चुकी थी जो कि बहुत ही बढ़िया बात थी, अब स्कारिल थी तो भाई मज़ा ही आ गया, फिर तैयार करें और ऑटो चलेगी, तो जल्दी से इसको फिनिश करके इसकी थोड़ी सी लूट लेते हैं। और बंदा है अभी, एक और बंदा है जो यहाँ पे मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, मैं देख के हैरान भाई, एकदम से नॉक कर देता बंदा, थोड़ी सी फायरिंग करी वापस कवर में आया, फिर मैं गया फाइनली उस बंदे को किल करने। अब देखते हैं कि मैं मार पाता हूँ कि नहीं। ओह नो
गाइस मैं वन तो नहीं 10 HP बचाऊँ, और बहुत मुश्किल से बचा क्योंकि उस बंदे ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। और यहाँ पे मैं मरते मरते बचाऊँ। मैंने अपने टीम को बुला लिया था कि भाई तू इधर आ जा तो देखो कवर में रिवाइव दूंगा, तो चलिए कोई बात नहीं रिवाइव दे देते हैं यहीं पर। जल्दी उसका रिवाइव कम्प्लीट करके हम और बंदों पर निकलेंगे। यहाँ पे मेरे टोटली 7 किल्स हो गए हैं गाइज। और अगर आपको यहाँ तक की वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे जल्दी से मैं लूट कर लेता हूँ, लूट कर ली यहाँ पे मेरी लूट हो गई है। M762 को अपना रीलोड कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। यहाँ पर हम जाएंगे बंदों की तरफ। यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ, यहाँ पे क्रेट पड़ी थी। और ये देखो भाई सब कैंपर, हद भाई कैंपर की हद। इतने कैसे मतलब इतना दिमाग लगा के कैसे कैंप करते, उसने मेरे को पता तक नहीं चलने दे कि वो मेरे पीछे बैठा है। बोलो अच्छा होगा कि मैं कवर के अंदर छुप गया वरना मैं वहीं पे ख़त्म हो जाता। यहाँ पे मैंने पेन किलर लगा ली थी और मैं पोचिंग के जंगल के बाउंस की तरफ आ गया और मैं देख रहा कि मेरा टीममेट बॉट मार रहा था। तो मैं बॉट मार दिया, अगर मिल गया था तो जल्दी से और बंदों की तरफ रश मारते हैं। बस एक गाड़ी ढूंढनी थी हमें, जल्दी से कोई गाड़ी मिल जाए तो यार मज़ा सा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना मेरे को एक फायरिंग की आवाज़ आती है, होता है फायरिंग की आवाज़ आई और मेरा टीममेट भी एक किसी बॉट को मार रहा था जिस बॉट के पास M249 थी। तो उस बॉट को मेरे टीममेट मारता है, मैं भी उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ उस बॉट को, बट मेरा टीममेट उस बॉट को मार देता है। अभी आप देखना, अब मेरे को क्या लगता है कि यहाँ पे ना ऊपर कोई बंदा है जो बॉट फायर करके हमें बुलाना चाह रहा है। अब आप देखना ये देखो एक और कैंपर भाई सब, दो 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 इतने बड़े बड़े कैंपर जो हमें मिले हैं। अब यहाँ पर हम मिलिट्री बेस की तरफ आते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमें एक ड्रॉप दिखता है, ड्रॉप को हमने सोचा कि हम ड्रॉप को अभी लेंगे नहीं, हम ड्रॉप के पास जो बंदे आएंगे उनको पहले मारेंगे। तो देखते हैं अब ड्रॉप के पास हमें बंदे मिलते हैं कि नहीं। यहाँ पे हमें ड्रॉप के पास एक भी बंदा नहीं मिला, तो हमने जल्दी से यार यहाँ से लूट कर ली। मैंने ग्रोज़र उठा ली जल्दी से, टीममेट तो उठा नहीं पाया तो मैंने ही उठा ली। तो यहाँ पर मिलिट्री बेस के अंदर आए, एक बंदा मेरे को बीच में स्पॉट होता है तो तभी मैंने गाड़ी के अंदर घुसाई थी, और मैं अंदर नहीं घुसाई, मैंने बाहर ही रोक ली। तो यहाँ पे मेरे को एक सामने एक बंदा स्पॉट होता है बिल्डिंग के साइड में, वो देखते हैं। तो मैंने उसको नॉक किया, एक बंदा उसका टीममेट मेरे को फायरिंग करता और मैंने अपना एम वहीं पे रखा और रीलोड करके मैं उसे भी नॉक कर देता हूँ। यानी कि ये जो था डुओ फिनिश हो चुका है, नॉक तो नहीं पूरा डुओ ही फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे टोटली 13 किल्स हो चुके हैं। अब मेरे दोस्त ने मेरे को बुलाया कि भाई बैठ अब निकलते हैं और बंदों के पास। इतने में मेरे को एक स्कूटर की आवाज़ आती है, मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड था। ये तो इतना बढ़िया स्प्रे तो मैंने आज तक नहीं दिया, ये तो प्रो गेमर्स वाला हो गया एकदम ही। सो गाइज इस वाले स्प्रे के लिए यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। हम देखते हैं यहाँ पर हमें बंदे नहीं मिलते, इस साइड तो बंदे थे ही नहीं, तो अब हमें गाड़ी ढूंढनी थी जल्दी से, तब भी हम इधर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि बंदे आए कि नहीं, बट नहीं मिले तो जल्दी से गाड़ी में बैठ के निकलते। सामने से एक बगी निकलती है, अब मैं हाई रिस्क पे था तो मेरे लिए एडवांटेज थी बंदे को मारने के लिए। वो साइड से निकलता है और मैं उसको स्कोप करके मार देता हूँ। ऑब्वियसली मेरा हेड जो मेरा एम था वो उसके हेड पे ही रहेगा क्योंकि मैं हाई रिच पर हूँ और वो लो रिच पर है। तो जल्दी से हम इसकी थोड़ी सी लूट करते हैं, और बंदों को ढूंढेंगे पहले लूट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम निकलते हैं, हमने देखा एक बंदा गाड़ी की तरफ भाग रहा है, वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और जैसे ही मैंने देखा कि बैठ गया उसने मेरी टीम को चढ़ा के नॉक कर दिया गाड़ी से। और मैंने अपना थोड़ा सा एम सेटल करके उस बंदे को मार दिया। फाइनली यहाँ पे हमारे 16 किल हो चुके हैं, और जो गाड़ी थी बहुत बुरी तरीके से ग्लिच हो गई थी इसलिए मुझसे दूर आ गया और मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया था। सामने आखिरी बंदा था, उसने ये गलती करी कि मेरे टीममेट को उसने फायरिंग कर दी, बट उसे ये नहीं पता था कि मैं उसी का टीममेट हूँ। तो अब जो जो एनिमी था उसने मेरे टीममेट को फायर करी, उससे मेरे को उस एनिमी की लोकेशन पर चल गई तो मैं उसको मारने निकल जाता हूँ। इस तरह से आवाज़ आई थी बट बाद में पता चलता है कि मेरे पीछे ही है वो। तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ इधर उधर कि बंदा मिले, बट सांप बना हुआ था बंदा। अब मैंने रेड डॉट खोला अपना, मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई वो बंदा ही है, तो मैंने रेड डॉट खोला और ग्रोज़ा से यहाँ पे अपना विनर विनर चिकन डिनर हो चुका है। सो गाइज अगर आपको ये वाला जो चिकन डिनर वाला मैच था पसंद आया तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब तो यार बिल्कुल से करिए देना है, आप लोग सब्सक्राइब कम करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाच लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फाइनली जो हम नाच लिए और अपना स्टैचू भी एस्टैब्लिश कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।